हमारा दानियल नदीम के साथ पंगा चल रहा है, तो मैंने उसको कर दिया था रेस के लिए चैलेंज। अहमद समाज ने वीडियो डाल दी है, उसने बोला है कि भाई इसकी रेस मैं करवाऊंगा। अब जहां तक मैं जानता हूं अहमद समाज जो है ना वो बड़ा स्मार्ट बंदा है। और ये देख लो खान ने क्या किया, गाड़ी उखेड़ते उखेड़ते सारा पेंट उखेड़ दिया। ये गाड़ी खोल रहा है, वेपर खुले हुए हैं, उसने बोनट उठाया है, पेंट ही उखड़ के वो साइड पे। मेरे साथ इशू ये हुआ कि पूरे रास्ते मेरा एक जो डोर था जो पसेंजर साइड के पीछे वाला था ना वो खुला रहा है, बंद ही नहीं हो रहा था। तो हाँ जी, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक। आप? तबीयत ठीक है आपकी? है। और हाँ जी, आप सुनाओ क्या हाल है, क्या कर रहे हो? हैं? आपकी गाड़ी देख रहे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक हो गया जी आपका इस ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मजे की लाइफ गुजार रहे होंगे। अच्छा यार, सीन कुछ इस तरह, वीडियो स्टार्ट होने से पहले पहले आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन लाजमी दबाइएगा अगर किसने नहीं दबाया होगा। तो आज हमने कहीं जाना है, तो उस लिए हमने मॉन्स्टर को बाहर निकाला है। हमने कहा कि सबसे पहले इसको वॉश करवा लें, इसको अच्छे तरीके से साफ़ करवाते हैं, बहुत गंदा हुआ हुआ काफ़ी देर से, तो इसको सबसे पहले हम साफ़ करवाएंगे। साफ़ करवाने के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। चेक करें, अभी आपको वीडियो में तो साफ ही लग रहा होगा, लेकिन अभी इसको हमने अच्छा सा लश पश करवाना है, फिर निकलते हैं। तो भाई जैसा कि देख सकते हैं कि गाड़ी गंदी बहुत हुई थी, तो इसको प्रॉपर तरीके से वॉश करवाने के लिए हमने इसको रैंप पे लगवा लिया है। रैंप पे लगवाने के बाद इसको ईच एंड एवरीथिंग, इंजन से, टायरों से, अंदर से, हर जगह से इसको जो है ना लश पश करवा दो। देख रहे हो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप चेक करो कि इतनी गंदी हुई पड़ी है हर जगह से, तो इसको जो है ना अभी यस हो जाएगी। अच्छा जी, इधर देख सकते हैं पूरी गाड़ी मैंने अंदर बाहर से ऐसी लश पश करवा दी, आपकी सोच है। ये देखें कितना गंद निकला है यहाँ से, और अभी भी मज़ीद जो है साफ़ हो रही है। तो अभी इसके ऊपर जो है ना हमने ये मारना है, ये सारा पूरे इंटीरियर पे बजेगा, और उसके बाद ना ये फिर टायर पे बजेगा, फिर हम चलते हैं एक जगह पे। अभी बस ये इंजन साफ़ हो रहा है, और ये देख लो खान ने क्या किया है, गाड़ी उखेड़ते उखेड़ते सारा पेंट उखेड़ दिया। ये गाड़ी खोल रहा है, वेपर खुले हुए हैं, उसने बोनट उठाया है, पेंट ही उखड़ के वो साइड पे गया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मैंने कहा ये भी सही है। खान, खान तुमने मेरा पेंट क्यों उखेड़ा? यार वो पता है, मैंने जल्दी में था इसके। तुम्हारे जल्दी के चक्कर में मेरे लग गए ना, लग गए के नहीं यार, जल्दी का काम होता ही है यार। चलो फिर अभी भी जल्दी है, एक घंटा तो हो गया मुझे यहाँ पे। अच्छा जी, गाड़ी शाड़ी वॉश करवा लिया है, उसके बाद शर्ट भी बदल लिया है, बस अभी हम निकलने लगे हैं। यार इतनी गर्मी है अभी भी स्टिल, कसम से मैंने अगर कहीं जाना ना होता तो वीडियो बनाने का मेरा जरा भी दिल नहीं कर रहा, इतनी गर्मी है यार। आप लोग बताओ कितनी गर्मी है, आप लोगों को लगती भी है कि नहीं लगती, पहले ये भी बताओ मुझे। One hour later. अभी मैं जहाँ पे आना था मैं वहाँ पे पहुँच चुका हूँ, लेकिन मसला एक क्या हुआ, मैं आप लोगों को मसला बताता हूँ। मेरे साथ इशू ये हुआ कि पूरे रास्ते मेरा एक जो डोर था जो पसेंजर साइड के पीछे वाला था ना वो खुला रहा है, बंद ही नहीं हो रहा था, लेकिन अभी आगे मैंने बड़ी मुश्किल से ना यहाँ पे बंद किया। मैं आपको दिखाता हूँ, जो ये वाला डोर था ना, ये वाला सारा बंद खोल के आया हूँ तकरीबन पूरे रास्ते। हाँ जी, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक। आप? तबीयत ठीक है आपकी? है। और हाँ जी, आप सुनाओ क्या हाल है, सब फिट फाट है? क्या कहना चाहोगे, आपको गाड़ी अच्छी लग रही है अभी यहाँ पे? माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। और मज़ा आया देख के? बस पैसे पूरे हो जाते हैं, इतने ही पैसे लगते हैं और पूरे हो जाते हैं। छोटे छोटे से जो है हमारे भाई हमें मिलने आए हैं। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हो, इधर आओ ना। हाँ, वीडियो में आगे गाड़ी लगती नहीं थी, ये सही लगती नहीं थी। अच्छा, और जो अब इधर आओ, आई है ना, इधर आओ, आप बताओ। असल में तो बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा जी, बोला था इसके सामने बच्ची है। हाँ, ये पहले देख रहे थे वीडियो में तो इतनी अच्छी नहीं लगती थी। क्या क्या बोला तूने? रियल में देखी इतनी अच्छी लगती है। मतलब तुम्हें वीडियो में भी नहीं अच्छी लगती? वीडियो में भी अच्छी है यार। वीडियो में नहीं, वीडियो में ऐसा लगता थोड़ी सी ना गंदी हुई है। अच्छा, रियल में ज्यादा लश्कारे मार रही है। हां जी, और चमक रही है। मैं आंखा तेनु मिल, तू आंखे मेनू। क्या कर रहे हो, हैं? बस आपकी गाड़ी देख रहे, आपकी गाड़ी देख रहे। अच्छा जी, इतने बच्चे, शादी पे आया हूं मैं, हैं? नेक्स्ट डे। अरे यार, ये जो क्लिप है मेरा, ये मैं बना रहा हूँ तीसरे दिन, इस वीडियो के तीसरे दिन ये वाली वीडियो का क्लिप है। वहाँ पे मैंने कहीं फैमिली के साथ जाना था, तो मैं वो वीडियो, ओ तेरी भैन दी कंट्रोल, मेरी चाबी नीचे गिर गई, ढूंढ लेते हैं उसको भी। तो मसला इस तरह है कि उस टाइम पे मैं फैमिली के साथ था, मैं वीडियोज बना ही नहीं सकता था, मतलब आपको दिखाता तो क्या दिखाता है ना।
तो मैं वहाँ पे वीडियोस नहीं बना सकता था, तो जितनी बनाई मैंने उतनी रैप अप कर दी और आज मैं फिर वीडियो बना रहा हूँ। आज एक्चुअली हम जा रहे हैं बासित के पास इसका एयर का चेक करवाने, इसकी मेंटेनेंस देखने के भाई कोई मसला मसाइल तो नहीं है इसके अंदर। दूसरी बात, वहाँ पे हमारा एक दोस्त आ रहा है, उसके साथ भी आपको मिलवाता हूँ मैं चल के। बस अभी यहाँ से निकल गए हैं, थोड़ी देर में हम वहाँ पे पहुँचते हैं। One hour later. मलीत भैया, आपने क्यों इतना प्यार किया मुझे समझ नहीं आती है यार। ये इस तरह यार, ये तो आपकी, ये तो यार, ये बासित भाई की और वलीद भाई की मोहब्बत है। ये चेक करें। लाला जी, आप बिस्मिल्लाह करें। हाँ जी, और वलीद भैया आप सुनाएं। सब ठीक ठाक, आप शुरू भी करें। चले आए बिस्मिल्लाह करें। ओके जी, अभी हम निकल के जा रहे हैं इसका शूट वूट करने के लिए। तो मैंने चेक ये करवाना था, तो एयर से क्या होता है, जब आपकी एयर लगी होती है ना, ये वो वाली सस्पेंशन नहीं होती है कि जो लगा दी सालों साल आपको पता ही कोई नहीं है लगी हुई है लगी रहे, नहीं। इसका सीन ये होता है कि आपने लगवा ली है तो उसको आपने चेक भी करवाना है कि भाई कोई मसला मसाइल तो नहीं है, कोई लीकेज हल्की फुल्की या कोई इस तरह के 100 मसले मसाइल होते हैं। तो चीज जो है ना वो देख के चलना पड़ता है। हमने ये चेकअप करवा लिया इसका, एयर हमारी बिल्कुल फिट है। तो बस अभी हम जा रहे हैं इसका शूट वूट करने के लिए, तो वहाँ पे चल के आपको बाकी अपडेट देता हूँ। जी, आप देख सकते हैं कि मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे। अभी लाला जी कैमरा लेके आते हैं, कैमरा ला के भाई साहब हम स्टार्ट करते हैं शूट। अभी आपको दिखाता हूँ मॉनिटर। अभी हमने इसको हाइट पे खड़ा किया हुआ है, अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर वाली हाइट पे है। और इसको भी हम ही करेंगे नीचे। लाला जी, इधर से कोई गाड़ियाँ गुजरती हैं यहाँ से? हाँ, इधर से इधर चल जाएगा इस साइड पे। चलो बस ठीक है, चलो मुझे बता दो, अगर कहते हो तो मैं इसको यूं करके खड़ी कर देता हूँ। ठीक हो गया, चलो मैं ले आता हूँ। वो तो है, ऐसे ही तैयार कराओगे? क्या बात है सर, कराओगे ऐसी? चलो फिर ठीक है। हाँ जी लाला जी, लाला जी बस ये सेटिंग, ये लाला जी यहाँ पे सारी सेटिंग मेटिंग कर रहे हैं और फिर चेक कर रहे हो कैमरा। भाई जान, कैमरा भी हमने सस्ते वाला नहीं रखा हुआ, 10 लाख वाला कैमरा। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? कैमरे कोई भी सस्ते नहीं है, ठीक है। इधर से हम निकालते हैं, कोई हैवी कोई कपड़े तो नहीं पहने हुए, ये तो हमारा एक रैंडम ही बना। तो लाला जी का बस ये सेटअप हो गया, मॉन्स्टर भी सेटअप हो गया। ओए होए होए भाई साहब, चेक करें कि स्टैंडिंग पोजीशन कैसी लग रही है इसकी, हैं तगड़ी लग रही है कि नहीं बताओ। पैसे पूरे करता है कि नहीं करता? मैं कहता हूँ कि यार दिल खुश हो जाता है। ये देखें, अब देखें अब, ओके। और ये कैम है हमारे पास, अभी थोड़ी सी फुटेज इसकी बन चुकी हुई है, थोड़ी सी रह गई, अब मैं अपनी बनवाने लगा हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ। लाला जी का यूनिक आइडिया चेक करो शूट करने के लिए। इधर खड़े हो। लाला जी का यूनिक आइडिया चेक करो, मेरे चुक लिया है ना जाके। फिर काम है ना। हाँ, ये तो है। ये देखें जी, माइक्रो फाइबर दिखाओ गाड़ी से निकाल के। ये चेक करें जी, इधर खड़े हो गए ना बाप ने। वो क्या मोबाइल से ही ऐसे? हाँ जी। ओहो, 1 hour later भाई जान, शूट वूट करवा लिया, करवाने के बाद थक टूट गए, इतना पसीना था। आप यकीन करेंगे अभी आप देख नहीं सकते कि पूरी मेरी शर्ट गीली है, आपको नहीं नजर आएगा। और मैंने AC आके यहाँ पे देखे फुल पे किया है कि मेरा जो है ना पसीना खत्म हो जाए। तो बस अभी जो है ना थक टूट गए हुए, आज का हमारा ये जो काम था ये भी कंप्लीट हो गया है। और अभी हम जा रहे हैं घर, घर जाके मॉन्स्टर को अच्छे तरीके से पैकअप करते हैं और मैं जो है ना बस AC चला के लेटने लगा हूँ भाई। नहीं गर्मी बर्दाश्त होती, बहुत गर्मी हो गई है यार, मौसम ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा यार। और बाकी आप लोग बताओ यार, आप लोग किधर घूमो, ना कोई आप लोगों को आता है ना कोई पता है, समझ से बाहर है, क्या मसला है, वीडियोज नहीं देखते हो आप लोग? अच्छा, मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है क्या नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, हमारा दानियल नदीम के साथ पंगा चल रहा है, तो मैंने उसको कर दिया था रेस के लिए चैलेंज। अब आप लोगों ने इधर मेरा साथ देना है, आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या करूँ। अहमद समाज ने वीडियो डाल दी है,
उसने बोला है कि भाई इसकी रेस मैं करवाऊंगा। अब जहां तक मैं जानता हूं अहमद समाक जो है ना वो बड़ा स्मार्ट बंदा है, वो बहुत चलाक इंसान है। अगर उसने रेस करवाई, वो कह रहा जी गाड़ी भी उसकी मैं तैयार करवाऊंगा, ट्यून भी उसकी मैं करवाऊंगा। अब आपको पता है कि वो बंदा किस तरीके का है। अब आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। रेस के लिए तो मैंने बोल दिया हुआ है, अब मैंने बोला हुआ है स्ट्रॉग जो है ना रिबर्थ के साथ, नहीं उसकी रिबॉन, हाँ स्ट्रॉग रिबॉन के साथ मैंने बोला हुआ है। अब वो उसके अंदर कर रहा है चेंजिंग। अब आप लोग मुझे बताएंगे मैं क्या करूं, रेस करूं या ना करूं, आप लोग मुझे बताएंगे वैसे ही करेंगे। अच्छा दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बताता हूं कि मैं भाई आया हूं वहां से, घर आ गया, शूट वूट करके घर आ गया, इतनी गर्मी थी कि मैं फुल गीला हुआ हुआ था, इवन एसी फुल तेज रखा हुआ था, यार इतना गीला था। मैंने आते साथ आके कपड़े उतार के यूं फेंके, शॉवर लेके आराम से बैठ गया हूं। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि अब हमने आगे नेक्स्ट अप क्या करना है। अगर तो अहमद पड़ रहा है ना अंदर, तो ज़रूर कुछ फिशी सीन हो जाएगा, आप बताएं। और इसी के साथ साथ ना हम यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं, क्योंकि मैं करने लगा हूँ रेस्ट भाई जान, मेरे से जो है ना मजीद ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जो होता है वो आप करो। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।